मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से प्रशासन की मदद से समाजवादी को हार दिलाने का काम किया है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि यह मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी का मैनपुरी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी मतों से जीत दिलाई है। हम मैनपुरी की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव में नकारात्मक राजनीति को पराजित किया, और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा जिसपे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। जैसे नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा, नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो की जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है, और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया है कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने, का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं, एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोग हैं बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है, और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल, नेताजी न होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से फोर लेन सड़कों से जोड़ना, और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है, और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क फोर लेन बननी चाहिए, सिक्स लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता, वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए, तो सुझाव कब दिया था, आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है, अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है, तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे पर्चे और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत जल्दी तैयारी है, वो चुनाव ऐसा है घर घर का चुनाव, उस पर अभी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दुनिया पैदा हो, खाई पैदा हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेलजोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई, और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से, उसी रास्ते पर चलेंगे।
इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है, इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं, लगता बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं, सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा, पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं, उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी, तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए, इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आपने खुले में डाल दिए, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर, बातों से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर ले उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग, ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ है जी, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, जब ये स्वीकार करेंगे तभी सुधार की तरफ जा सकते हैं, सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी, पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे हुए, यही सवाल है। पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है, आम आदमी की सरकार बनने के बाद वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में जान लिया, सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना भी ठीक नहीं है। सर ये क्या है भाजपाइयों का, कौन टिकट लेगा उनसे, 3 लाख से हर गए टिकट लेगा, जनता ने हराया आपको टिकट कौन लेगा तुम्हारी, भाजपा के 100% एफर्ट के बाद सपा की ऐतिहासिक जीत, क्या लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग अब देखने को मिल सकता है? ये एजेंसियों क्या है, एजेंसी है जैसे चुनाव में क्या किया है, पुलिस भेज दी, सेंट्रल फोर्स भेज दी, सेंट्रल फोर्स को तो पता नहीं था ना कि गांव किसके हैं, तो यहाँ का लोकल स्तर का अधिकारी उन्हें गाइड करता था कि यहाँ इस गाँव में चलो, जैसे मैं एक कार्यक्रम में गया मैनपुरी में, पूरी सेंट्रल फोर्स उसे गली नहीं पता होगी लेकिन मैंने देखा आगे आपके लोकल थाने का अधिकारी चल रहा था तो वो गली गली घुमा रहा था, सेंट्रल फोर्स गली गली घूमी, जीता कौन? तो जो एजेंसियां लगाई जाएंगी हमें अपने कागज वगैरह तैयार रखने पड़ेंगे चुनाव के दरमियान ही, कि भाई कोई पूछताछ होगी तो कागज दिखा दीजिए कि ये है। चुनाव के दरमियान ही गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला भी आ गया था, ये कुछ नहीं है, आप ये केवल लोगों को बदनाम करने के लिए है, जैसे आपके यहाँ ना ब्रेकिंग न्यूज है, जो सूत्र है वो एजेंसी है, आप सूत्र बताते नहीं हो, जैसे हम आपसे पूछेंगे कौन सूत्र है, मतलब सूत्र है, इसी तरह एजेंसी आए इनका कोई मतलब नहीं है, कागज अगर चेक करेंगे हम लोग दिखाएंगे, और फिर कोर्ट में मामला है, कैबिनेट का डिसीजन है, अगर आप कैबिनेट का भी नहीं मानेंगे आप तो फिर हर एक की जांच होगी, कैबिनेट आखिरकार क्यों है, विधानसभा क्यों है, जो समाजवादी पार्टी का रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कैबिनेट से पास है, और मैं आपसे कह रहा हूँ आज यहाँ बैठ करके सभी हमारे विधायक सांसद बैठे हुए और आप पत्रकार साथी मैनपुरी के हो, वैसे मैनपुरी में लखनऊ के बराबर इस ईसर नदी पे हम लोग रिवर फ्रंट बनाएंगे जब हम लोगों को मौका मिलेगा। मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला दे रहे हैं, और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने कहा कई जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाए और वो प्लांट दे करके आए,
कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही हो। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एक एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जहाँ कैप्सिकम आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है, तो वो देखने के लिए आए, वो क्यों बर्बाद कर दिया। तो जब ये मुंह खुला, मुंह नहीं, मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे। जब मुंह ही भर के रखोगे तो बोलोगे कब विकास की बात होगा। और मैंने तो सुना है एक मिठाई वाली दुकान पर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे रखा था एडवांस में लड्डू बनाने का, कन्नौज वालों का था। आप पता करवाइए, कुछ साथी मिठाई वाले पता करवाइए कि ये बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्हें हर बात बुरी लग रही है। आप लोग सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो कितने दिन से सेस ले रही लोग, और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए अभी तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे की क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो। तो ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उनपे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वही कूड़ा जाता है जहां बीजेपी के मेयर है, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष, जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा जाता है। सर जिस तरह इस चुनाव में आपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे, आपने शिकायत भी किसको लेके, और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई, आगामी आम चुनाव है। सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने की, हमारी आपकी सबकी आजादी छीन ली जाएगी। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना चाह रहे हैं और अभी किसान और अभी किसान की उनके ये लोग, देखिए इनको, इन्हें केवल ये करना है, आप इनसे पूछिए डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, नालियां आपकी बंद पड़ी है, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घुमाई घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो वो सरकार सो रही, बताइए आप बताइए। मैंने कोई पूरा देखा ही है डिवाइडरों में, सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे, किसी तरफ चले जाइए आप। अभी मैं देखता आया हूं, अभी मैं भूगांव से आया हूं, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। 2024 आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल, आपने वापस कर दी थी, उस समय क्या समय हमारे पास थोड़ी है, क्या लगता है क्या उसका मतलब वो नहीं करना था आपका? देखिए राजनीति में परंपरा ये किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए, जो आलाई आजम साहब के साथ किया है भैया, पूरे देश की राजनीति में इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ भैया। एक आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, आप बताइए एसडीएम है, लेखपाल है, एसओ है, हमारा क्या नाम है, सरकार क्या नाम है, किसको भी अपराधी बना देंगे? आपके पत्रकार साथी आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया वो जेल चला गया, नमक से रोटी गई वो जेल चला गया, सच्ची खबरों पे लोग जेल गए। देखिए वो जो हो सकता है उसकी कोई भावना गलत भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते, ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुड़की कर रहे हैं तो भाजपा लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। सर मैनपुरी में एक साल के लिए उपचुनाव हुआ, एक साल के लिए करना, इसमें कितना सर मैनपुरी को विकास देंगे आप? हमारा जितना भी निधि का पैसा इनका और जितनी भी योजनाएं रुकी पड़ी है सब चलवा दूंगा मैं। और ये टूरिज्म मंत्री जो है जीरो जीरो बजट लिए घूम रहे हैं, इनसे तो कहेंगे यहाँ पे कुछ हब बनाए टूरिज्म का, सब तो मानेंगे मंत्री हैं, अगर मैं इनसे काम करवा ले तो कहिएगा, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ इनसे मैं काम करवा दूंगा, चाहिए इन्हें करना पड़ेगा टूरिज्म काम, नहीं तो मंत्री का है क्यों? देखिए क्या बनाते हैं यहाँ पर, हम देख नहीं, कागजों में नहीं, मंत्री लाएंगे।